ऊटी में जाने के बाद वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा छोटा सा रूम था, एक बेड था, बेड पे मुझे सुला दिया, ऊपर एक बड़ा सा लाइट था, बस वही ऊटी। तो मैं सोचा कि यहाँ से शायद मुझे कहीं और लेके जाएंगे, ये शायद दूसरा कुछ रूम है, यहाँ पे शायद कुछ करेंगे चेकअप, फिर मुझे शायद ऊटी में ले जाएंगे। मुझे तब तक नहीं पता था कि वही ऊटी है। हाँ, तो मैं तब तक नहीं समझ पा रही थी कि हाँ वही ओटी है, वहाँ पे होगा ऑपरेशन। मैं सोचा ही नहीं कि वो ओटी होगा, क्योंकि मैं जो मतलब वीडियो वो सब में देखा था, टीवी में देखती थी कि कितना कुछ होता है एक ऑपरेशन रूम में, कितना वो छुरी काटा सब कुछ होता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो मॉनिटर थे कुछ साइड में और एक बड़ा सा ऊपर लाइट था, और बेड पे मुझे सुला दिया। फिर वो वहाँ पे सिर्फ एक आंटी थे और कुछ भी ना, कोई डॉक्टर था ना कोई लोग थे, फिर सिर्फ एक आंटी थे, वो मेरा प्रेशर चेक कर रहा था बार बार, और वहाँ मेरा ECG वो सब लगा रहे थे हाथ में, वो इसको क्या बोलते हैं वो ऐसा क्लिप क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, भूल गई ना, तो वो लगाया, वो सब चेक कर रहे थे, मेरा हार्ट बीट चेक कर रहे थे, तो वो सब कर रहे थे। फिर मैंने उसको पूछा कि ओटी कहाँ है, फिर उसने बोला यही ओटी है। मैं बोला कि यहाँ पे होगा बेबी, फिर बोला कि हाँ यहाँ पे होगा। मैं बोला यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, फिर बोला हाँ यहाँ पे ही सब कुछ है, थोड़ी ना तुम्हें दिखाएगा, मुझे ऐसा बोला। तो मैंने हंसा, फिर मैं बोला कि बहुत पेन हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और जल्दी से मतलब कर दो। फिर बोला हाँ अभी आएगा डॉक्टर, तुम रुको थोड़ा सा। फिर वो आंटी के साथ बात करते करते दो आदमी आया अंदर, तो वो दोनों डॉक्टर थे या फिर कौन थे मुझे नहीं पता, शायद एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर थे, तो वो आया और साथ में और एक आए, वो भी शायद डॉक्टर ही होंगे पता नहीं। तो वो दोनों आए आके मुझे, एक ये दोनों आपस में बात करते करते आए, मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो एक एक आके मुझे बोला कि तुम अपना पैर और सर को पूरा ऐसे बैंड बैंड कर दो। तो एक तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, ऊपर से पेट है तो मैं कैसे मतलब ऐसा बैंड हो जाऊं, तो वो मैं बोला कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो मुझे मेरे सर में ऐसे पकड़ा, पैर को पकड़ा, पैर के नी को और सर के यहाँ यहाँ को मतलब एक साथ में जोड़ दिया, पीछे का जो वो हड्डी है उसको निकालने के लिए अच्छे से वहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं शायद। तो ऐसा करके मुझे पूरा बैंड किया। बैंड करने के बाद जो एनेस्थीसिया का और एक डॉक्टर आया था, तो वो बात करते करते वो मुझे तब पता चला कि हाँ मुझे अभी एनेस्थीसिया देगा। तो मैं भगवान को बोल रही थी हाँ जल्दी से दे दो मेरा पेन वेन सब कुछ, मैं ताकि मैं भूल जाऊँ ये सब। तो मैं भगवान को एकदम जोर जोर से बुला रही थी, और वो डॉक्टर बोल रहे थे हाँ तुम भगवान को बुलाओ कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसा मतलब जोर जोर से बुला रही थी भगवान को, गोपू गोपू चिल्ला रही थी, तो वो लोग भी हंस रहे थे मेरा ऐसा सुन के। फिर वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर मुझे मेडिसिन जब मतलब वो जब इंजेक्शन दिया, तो मतलब एकदम भी पेन नहीं हुआ, एकदम जैसे चींटी काटते हैं ना वैसा थोड़ा सा पेन हुआ। तो बस वही मुझे लगा कि अभी तक दिया ही नहीं है ऐसा लगा। फिर मैंने पूछा कि हो गया, फिर वो बोला कि हाँ हो गया। फिर मुझे साथ साथ में ऐसे सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद ऐसा मतलब मुझे बोला तुम आराम से सोए रहो। तो मैं आराम से सोई थी, तब मेरा वाले डॉक्टर वो लोग भी आए और दो तीन आए कुछ मतलब उसके वो डॉक्टर के साथ ही, वो भी शायद डॉक्टर ही थे नहीं पता। मैं तब सो रही थी और मैं बार बार अपने पैरों को हिला रही थी, मैं देख रही थी मैं पैर हिला पाती हूँ, कितने देर तक हिला पाती हूँ। तो मैं पैर हिला रही थी, मैं देखा कि हाँ मैं तब भी हिला पा रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब यहाँ से मतलब इस वाले पोर्शन से एकदम नीचे तक ऐसा मतलब सुन्न हो जा रहा था पूरा। तो मैं फिर भी मैं पैर हिला रही थी बार बार, मैं देख रही थी कि मैं हिला पाती हूँ या नहीं। फिर हिला रही थी, मैं हिला पा रही थी, बहुत टाइम तक मैं हिला पाई, 5 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं 1 मिनट तक शायद मैं हिला पा रही थी। फिर तब मेरा वाला डॉक्टर आया आके मुझसे पूछ रहा था कि कैसे हो, ठीक हो, क्या हो, मतलब लास्ट में ओटी ही कराना था तो इतना पेन क्यों सहा, वो सब बोल रहे थे। फिर मैं भी थोड़ा सा बात कर रही, डॉक्टर बात करते करते वो मेरे ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़े दे ही रहे थे, क्या क्या कर रहे थे करके। फिर मैं पैर हिला रही थी, फिर मैंने देखा उसके हाथ में, उनके हाथ में वो छुरी छुरी काटा वो सब वो ले रहे थे। फिर मुझे लगा कि हाँ अभी मेरा कटेगा शायद, पेट को काट देगा। तो मैं पैर पैर से हिला रही थी और मैं बोल रही थी डॉक्टर मैं अभी भी पैर हिला पा रही हूँ, मेरा अभी भी सेंस है, मैं उसको बोल रही थी। फिर डॉक्टर बोला हाँ तुम पैर हिलाते रहो, जितना मर्जी उतना हिलाते रहो, मुझे ऐसे बोला। फिर
फिर मैं बोला कि हाँ मैं अभी भी हिला पा रही हूँ, मतलब डर डर लग रहा था कि वो अगर मैं सेंस रहते रहते अगर काट दिया तो, मैं ऐसे सोच रही थी। तो मैं बार बार उसको बोल रही थी, डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर मैं अभी भी हिला पा रही हूँ। फिर डॉक्टर बोला हाँ है, तुम हिलाते रहो। तो वो लोग मेरा ऐसा कुछ कपड़ा दे रहे थे, ऊपर कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा सपड़ा दिया। देने के बाद वो मेरे पीछे जो एक डॉक्टर खड़ा था, वो क्या क्या मेरे आँख में दो, मतलब क्या दे दिया पता नहीं, बैंडेज का कुछ कपड़ा दे दिया, आँख को मतलब ढक दिया था। तो मैं ऐसे 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 करके थोड़ा सा वो ऊपर उठा के मैं, ताकि मैं देख पाऊँ थोड़ा सा, मैं डॉक्टर को मैं देख रही थी। तो वो लोग ऐसे हाथ में बहुत कुछ ले रहे थे, मशीन मतलब वो छुरी काटा वो सब। तो धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही थी, मैं और मतलब पैर नहीं हिला पा रही थी। तब फिर डॉक्टर मुझे बोला कि तुम पैर हिलाओ, तो मैं बोला नहीं हिला पा रही हूँ। तो फिर बोला हाँ देखा नहीं हिला पाओगे अभी और, फिर मैं बोला हाँ अभी और नहीं हिला पा रही हूँ। फिर बात करते करते उन्होंने शायद शुरू कर दिया था उन लोगों का प्रोसेस, तो मुझे नहीं पता। वो लोग मुझसे बात कर ही रहे थे, क्या क्या कुछ भी पूछ रहे थे, मतलब इतना तो अभी इतना याद नहीं है, तब पूछ रहे थे, मैं बोल रही थी बस। तो फिर वो लोग अपना प्रोसेस कर रहे थे, तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा वो उठा के, ऊपर जो लाइट था वो वहाँ पे ना, वो कांच का मतलब मिरर का ऐसा लाइट था, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ना दिखाई दे रहा था, रेड 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 ब्लड जैसा कुछ, और मेरा पेट में जो भी कर रहा था वो मैं ऊपर देख पा रही थी। और मैं ऊपर ना ऐसे देख रही थी, तो मैंने देखा कि मतलब मैं सिर्फ खून ही, मतलब ब्लड ही देख रही थी, कैसे कट रहा है क्या वो सब नहीं दिखाई दे रहा था इतना। तो वो देख रही थी और डॉक्टर लोग भी आपस में बात कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की। तो मैं बोला मुझे लड़की चाहिए, मतलब मुझे पर्सनली लड़की मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटा 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 सा लड़की लोग इतना क्यूट होते। तो मैं बोल रहा था मुझे लड़की होने से मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा बोल रही थी। मैं बोला लड़का होने से भी कुछ नहीं, लड़की ज़्यादा पसंद है। फिर वो डॉक्टर भी हंस रहे थे, फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि हाँ लेकिन लड़का हो तो, फिर ऐसा बोल रहा था। मैं बोला हाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मतलब वो लोग मुझसे बात कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे देखा मतलब वो, और फिर कुछ धुआं धुआं भी उठ रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। तो वो सब करने के बाद फिर वो बहुत मतलब 5-10 मिनट के बाद वो डॉक्टर ने, मेरे पीछे जो डॉक्टर खड़ा था उसको बोला कि पुश करो, ऊपर से पुश करो। तो मैं सोचा कि पुश करने के लिए बोला क्या हुआ ऐसा, मैं डॉक्टर को बोला डॉक्टर पुश क्यों करना है। फिर डॉक्टर बोला अभी बेबी आएगा। तो मैं बोला अभी आएगा, फिर बोला हाँ। फिर वो ऊपर जो डॉक्टर था कि बोला, वो बोल रहे थे कि क्या नॉर्मल में भी पुश कर करके निकलना पड़ता है, अब आजकल तो सी सेक्शन में भी पुश करना पड़ता है। फिर डॉक्टर बोला हाँ सब कुछ में पुश कर करके बेबी को निकालना पड़ता है। वो लोग ऐसे आपस में बात कर करके हंस रहे थे। तो वो डॉक्टर मुझे यहाँ से पूरा ऐसे प्रेशर के दे के पुश कर रहा था, और उधर से भी एक पुश कर रहा था, और इधर तो मेरे डॉक्टर ही खड़े थे, तो वो भी पुश करके ऐसे मतलब कुछ निकाला। मुझे वो पता चला, मेरा नीचे जो भी कर रहा था मैं ऊपर हिल रही थी, मुझे वो पता चल रहा था कि मेरे साथ कुछ कर रहा है वो लोग, लेकिन वो सब मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं, वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ इतना फील हो रहा था कि कुछ तो कर रहे हैं मेरे साथ, मैं हिल रही थी पूरा। फिर जब बेबी को निकाला मैं पूरा हिल गई। तो अचानक से उसको बेबी को निकाला, निकल के ऐसे उन लोगों ने रखा, और अचानक से मैं रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो मैं वो अपने मतलब हाथ से ऐसे हटा दिया, हटा के देखा कि हाँ एक बेबी निकल आया, ऐसे ऊपर करके निकला। फिर मैंने साथ साथ में पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि रुको रुको दिखाती हूँ। तो फिर उन्होंने उन लोगों ने कुछ किया करने के बाद मुझे ऐसा दिखाया, देखो तुम्हारा बॉय हुआ है, ऐसा बोला। तो मैंने देखा एकदम वाइट कलर का एक बेबी था, मतलब फिर मुझे ऐसे साथ साथ में दिखा के वो लोग लेके चले गए। तो फिर मैं, फिर जब चले गए फिर वो लोग अपना फिर से मेरा प्रोसेस कर रहे थे, अच्छा अंदर क्या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो सब कुछ करने के बाद वो सब हो गया, मैं वहाँ पे मिरर में देख रही थी कि ब्लड ब्लड ही देख रही थी सिर्फ। फिर वो लोग कॉटन लेके ऐसे पीठ के अंदर, शायद वो शायद ये क्या करते हैं, साफ करते हैं शायद। तो तब जब ऐसा कर रहे थे तो मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं वो डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर मुझे सांस लेने में कैसा लग रहा है। फिर डॉक्टर बोला हाँ ऐसा थोड़ा लगेगा, तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला दूसरा डॉक्टर को। फिर मैं ऑक्सीजन लगाया तो मुझे और ज़्यादा मतलब कैसा लग रहा था। मैं उन्होंने बोला नहीं सब कुछ खोल दीजिए, मुझे मेरा मतलब कैसा लग रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, ऐसे बोल रही थी। फिर साथ साथ में मुझे कुछ मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद
फिर मुझे मतलब ऐसा नशा नशा सा लग रहा था, मैं सो जाऊँ या फिर शायद मैं सो भी गई थी, पता नहीं, इतना याद नहीं आ रहा है। फिर मैं जब फिर वो लोग जब ऐसा सिलाई विलाई वो सब कर रहे थे, शायद सिलाई नहीं पेस्टिंग किया मेरा अपन, लेकिन दो साइड में सिलाई लगती है थोड़ा थोड़ा सा, तो जब वो कर रहे थे तब मेरा थोड़ा सा आँख खुला तो मैंने देखा, फिर वो बोल रहे थे डॉक्टर के, हाँ तुम्हारा सब कुछ हो गया अच्छे से, हो गया ख़त्म, ऐसा बोल रहा था। फिर मैं बोला कि बेबी कहाँ पे है, बोला कि बेबी तो है तुम लोगों की फैमिली लोगों के पास है। फिर मैं बोला कि अभी मुझे कहाँ पे ले जाएंगे, फिर बोला तुम्हारे रूम में ले जाएंगे तुम बेबी के पास। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मुझे वहाँ से अपने कैबिन में शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद फिर बेबी को वो मेरा बड़ी माँ लेके रखा था, फिर बेबी को लाए, मुझे दिखाया, मैं तब तक तो बेबी का फेस अच्छे से दिखाई नहीं, मतलब मैं ऐसे सोई थी, फिर बेबी को थोड़ा सा देखा, फिर अचानक से मैं मतलब बहुत ज़्यादा काँप रही थी, पता नहीं क्यों, वो ऐसा शायद ओटी से निकलने के बाद होता है, मैं यूट्यूब में भी देखा था कुछ कुछ लोगों का जो मैं ओटी एक्सपीरियंस देखा, तो वहाँ पर भी वो लोग भी सेम बात बोलते थे, मैं मेरे साथ भी हुआ तो मैं इतना ज़्यादा तब पैनिक नहीं हुई, मुझे पता था कि हाँ ऐसा होता है, तो मैं कांप रही थी। फिर मुझे दो तीन कंबल दिया, फिर भी मैं कांप ही रही थी, फिर थोड़ा टाइम बाद ठीक हो गया। फिर बेबी को लाया मेरे पास, लाने के बाद उसको फीड कराने के लिए बोला, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उसको फीड नहीं करा पा रही थी, तो एक दिन तो मतलब बिना खाए पिए बच्चा ऐसे उसका हाथ खा खा के सो गया, इतना मतलब ख़राब लगा उसको देख के। फिर वैसा ही फिर डॉक्टर आया आके फिर से चेक किया रात को, फिर बोला हाँ ठीक है अभी तुम कैसे हो, मुझे बोला तुम हिलते रहना, लोग बोलते हैं कि नहीं एक दिन नहीं हिलना चाहिए, पूरा ऐसे सीधा होके सोते रहना, लेकिन मेरे वाले डॉक्टर ने बोला तुम हिलते रहो, हिलने की कोशिश करो। और मैं उसी दिन कोई मैं ऐसे साइड होके भी सो पा रही थी, मतलब मैं खुद से हिल के मैं ट्राई कर रही थी, मैं साइड होके सो भी पा रही थी। फिर दूसरे दिन तो मैं उठ के बैठ ही गई, फिर तीसरे दिन मैं चल भी लिया, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी से सब कुछ ठीक हो गया, तो बस वही उस वो सब कुछ हुआ उस दिन, और शेयर करने के लिए सोचा था तो आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बोलना कैसा लगा मेरा वो वाला दिन, मतलब मेरे साथ तो बहुत ही भयानक सा कुछ था, आप लोगों को सुन के कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और एक मुझे कमेंट किया था कि मेरा अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा था, पॉम्पी रॉय वो उन्होंने मुझे पूछा था, मतलब बोला था कि एक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट वो सब लेके एक वीडियो बनाने के लिए, तो अभी तो मतलब मैं अभी नहीं बना पाऊँगी, तो मेरा दो ही अल्ट्रासाउंड हुआ है पूरा प्रेगनेंसी में, तो अगर मैं हुआ तो मैं कुछ दिन बाद शेयर करने की कोशिश करूँगी, तो अभी इस वाले वीडियो में तो ये शेयर किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नहीं, मैं देखती हूँ कब अगर कर पाती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और एक ने मुझे कमेंट किया था, वो मुझे अभी मतलब नहीं मिल रहा है, मैं बाद में देख के नाम बोल लूँगी, कि वो पूछ रहे थे कि मैं अपने बालों पे क्या लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो जो मतलब नॉर्मल है, मतलब कभी भी कुछ भी जो भी शैम्पू मिले वो वही कर लेती हूँ, ऐसा ही है, हाँ थोड़ा सा शैम्पू करने के बाद सीरम लगाती हूँ बस वही। तो वो उन्होंने कमेंट किया था इसलिए मैंने वो आंसर दे दिया, मैं कमेंट पे आंसर नहीं दिया था इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो बस वही। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सब कुछ सुन के कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों को कैसा लगा बताना, और जल्दी फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और भी कीचू भी उठ चुका है तो उसको भी मुझे अभी फीड कराना पड़ेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।